सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और पास ही में बेल आइकन को प्रेस करें रोजाना लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, आज आपके लिए न्यू एक कलर टोन लाया हूँ। सो आप लोगों को मैं बताऊँगा किस टाइप से एडिटिंग किया और क्या सेटिंग थी, सब चीज़ें बताऊँगा गाइस आप लोगों को। सो गाइस, मेरे चैनल पर न्यू हो तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना और पास ही में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरह के एडिटिंग रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ गाइस मैं। सो हाँ गाइस, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए होंगे तो गाइस फॉलो कर लेना। सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आपको वहाँ से जाके फॉलो कर लो गाइस, ठीक है। सो अपन सबसे पहले चलेंगे गाइस रियल फ़ोटो पे और देन उसको शेयर कर लेना है अपने को लाइट रूम पे गाइस। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि फ़ोटो ऐड हो गई है। ऐड होने के बाद मैं गाइस मैं बेसिक बता देता हूँ क्या क्या सेटिंग थी, क्या सब चीज़ें थी। सो सबसे पहले गाइस सन वाले आइकन पे जाना है, वहाँ पे लाइट एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। सो सबसे पहले गाइस शेडो में थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा और उसके बाद में गाइस मैं वाइट का थोड़ा माइनस में लेके चलूँगा गाइस, और ब्लैक थोड़ा हल्का सा बढ़ा दूँगा, और देन हाईलाइट को थोड़ा कम करना है गाइस, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना है, देन एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देना है गाइस, ठीक है। सो गाइस, ये सब चीज़ें तो आप अपने फ़ोटो के हिसाब से करोगे, क्योंकि ये मेरी फ़ोटो का टेम्परेचर अलग है और हर एक मतलब अलग अलग कंडीशन में मैं शूट किया हो, तो वो आपकी फ़ोटो के हिसाब से गाइस लाइट एडजस्ट कर लेना जो मतलब परफेक्ट हो। सो गाइस, अब इसके बाद में चलेंगे गाइस कलर पर। सो मिक्स वाला कलर ले लेते हैं अपन, फिर उसके बाद में गाइस सबसे लास्ट वाला इसका सेचुरेशन कम करना है, और देन इसका भी सेचुरेशन कम करना है। सो गाइस इसका भी और ग्रीन का भी सेचुरेशन कम करना है गाइस, व्यू को बढ़ा देना है पूरा फुल, और देन ल्यूमिनेंस को पूरा प्लस में लेके चले जाना है गाइस, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को सेचुरेशन कम करना है गाइस, करीब करीब आपको 80 के करीब करीब रख लेना है गाइस, ठीक है। ल्यूमिनेंस को हल्का सा बढ़ा देंगे। सो गाइस, सेचुरेशन थोड़ा सा हल्का सा और माइनस में लेके चलेंगे, तो 64 के करीब करीब रख लेना है आप लोगों को, और देन व्यू को चेंज करना है गाइस। सो व्यू पूरा -100 में लेके जाना है गाइस, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो। सो हो गया ये, और देन इसके बाद में गाइस ऑरेंज वाले आइकॉन पे जाना है, और देन इसका सेचुरेशन आप लोगों को इतना रख लेना है गाइस, ठीक है। देन ल्यूमिनेंस को भी बढ़ा देना है गाइस, सो इतना ठीक है गाइस। सो गाइस, यहाँ पे कलर ग्रेडिंग तो हो गई है, मतलब सो एक कलर बचा है रेड वाला, इसको थोड़ा सा सेचुरेशन आप लोगों को लेके जाना है गाइस। सो व्यू चेंज करना है गाइस, थोड़ा सा पिंक में रखना है रेड, मतलब पिंक में रखना है लिप्स, ठीक है। सो ये जो रेड वाला जो रहता है गाइस, ये लिप्स के ऊपर में रहता है, मतलब लिप्स पे ज़्यादा काम करता है। सो व्यू आप लोगों को इतना रख लेना है, देन ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा माइनस में लेके जाना है गाइस, सेचुरेशन को प्लस में लेके जाना, और देन ल्यूमिनेंस को माइनस में लेके जाना गाइस, ठीक है। यहाँ से डन कर लेते हैं। डन करने के बाद में गाइस कलर ग्रेडिंग पे जाएंगे, और मैं शेडो का बता देता हूँ आप लोगों को कि कौन सा कलर रखना है। सो चेक कर लेता हूँ गाइस। सो गाइस इतना ठीक है, और देन ये कलर ले लेना है गाइस, ठीक है। और ये लेने के बाद में गाइस आप लोगों को सेचुरेशन रखना है 30। के करीब करीब रख लेना गाइस, ठीक है। एंड देन हाईलाइट पे जाएंगे गाइस, हाईलाइट का कलर मैं बता देता हूँ आप लोगों को, 70 के करीब करीब रख लेते हैं गाइस, ठीक है। और देन इसका सेचुरेशन आप लोगों को लेके जाना है 30 के करीब करीब गाइस। तो आप लोग देख सकते हो गाइस, ठीक है। और देन इसके बाद में ग्लोबल में जाएंगे गाइस, और ग्लोबल का मैं बता देता हूँ आप लोगों को, 130 के करीब रखना है गाइस इसको, सो 132 भी चलता है। और देन सेचुरेशन आपको 5 रख लेना है गाइस, ठीक है। सो ज़्यादा नहीं रखना गाइस। सो देख सकते हो गाइस यहाँ से। सो डन कर लेते हैं। डन करने के बाद में गाइस फिर से कलर ग्रेडिंग पे जाएंगे, क्योंकि जो मतलब बैकग्राउंड का जो कलर है थोड़ा सा ब्राइट में नहीं आ रहा है। सो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, सो थोड़ा इसका सेचुरेशन ल्यूमिनेंस को बढ़ा देना है गाइस, इसका तो ल्यूमिनेंस बढ़ा ही हुआ है ऑलरेडी। सो यहाँ से डन कर लेते हैं गाइस, और सन वाले आइकॉन पे जाएंगे,
और देन इसका एक्सपोजर हल्का सा बढ़ा देंगे गाइस, ठीक है। और सो इसके बाद में कर्व वाले टूल पे जाएंगे गाइस और देन वाइट वाला ले लेंगे गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट बना लेता हूँ गाइस, उस टाइप की आप लोगों को भी पॉइंट बना लेना है, ठीक है। सो मैं देख बना लेता हूँ, तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि मैं इस टाइप के मतलब कुछ पॉइंट बनाया हूँ। सो आप लोग भी इसी टाइप के पॉइंट बना लेना गाइस, क्योंकि परफेक्ट में लगे। सो आप लोग देख लो गाइस, यस अगर आपको मैन्युअली अगर शेटिंग मतलब मैन्युअली एडिटिंग करना है तो सो इस टाइप का रख लेना गाइस आप लोग। सो यहाँ से डन कर लेते हैं। सो मैं जिस टाइप की कलर टोन बताया था गाइस, उस टाइप की कलर टोन ला लिया हूँ। सो और थोड़ा थोड़ा कुछ बचा हुआ है तो मैं वो भी बता देता हूँ। और सो गाइस इसके बाद में सिलेक्टिव में जाएंगे गाइस, सिलेक्टिव में जाने के बाद में आप लोगों को सो गाइस यहाँ से प्लस वाले आइकन पे जाना है और देन सेकंड वाला ले लेना है गाइस, इस टाइप से क्लिक करना है आप लोगों को और देन यहाँ से इसको इन्वर्ट कर लेते हैं गाइस। इन्वर्ट करने के बाद में गाइस इसका सन वाले आइकन पे जाएंगे और थोड़ा सा एक्सपोजर अपना कम कर देंगे गाइस। सो बढ़िया, सो डन कर लेते हैं गाइस। डन करने के बाद में गाइस फिर से सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पे जाएंगे और देन इसका थर्ड वाला ऑप्शन ले लेंगे गाइस और कुछ इस टाइप से रख लेना है आप लोगों को। सन वाले आइकन पे जाएंगे गाइस, हल्का सा एक्सपोजर कम कर देंगे गाइस, ठीक है। सो डन कर लेते हैं। डन करने के बाद में गाइस फिर से सिलेक्टिव वाले आइकन पे जाएंगे और देन फर्स्ट वाला लेना है आप लोगों को, जो मतलब एक स्क्रीन के ऊपर में लाइट इफेक्ट मैं देता हूँ। सो गाइस कुछ इस टाइप से, सो इसका सन वाले आइकन पे जाने के बाद में आप लोगों को एक्सपोजर इसका हल्का सा बढ़ा देने के, ठीक है। सो डन कर लेते हैं। सो गाइस इसके बाद में मैं थोड़ा मतलब डिटेल्स वगैरह जो है मैं यूज़ किया था मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सो गाइस टेक्सचर यूज़ करना है क्लैरिटी DS देन विगनेट यूज़ करना है हल्का सा। सो मिड पॉइंट कम कर लेते हैं गाइस, क्योंकि थोड़ा सा मतलब डार्क शेड लेना है आप लोगों को और देन फर्दर का यूज़ करेंगे राउंडेस और देन हाईलाइट। सो इसके बाद में ग्रेन अमाउंट डालेंगे गाइस, ज़्यादा नहीं डालना है आप लोगों को, साइज कम कर लेना है। इसके बाद में थोड़ा सा 20 के करीब करीब रख लेना है गाइस, चेक कर लेते एक बार। सो ठीक है, इसके बाद में देन नीचे वाला आइकन पे आने के बाद में शार्पनिंग यूज़ करेंगे, रेडियस डिटेल्स और मास्किंग का थोड़ा 80 के करीब करीब रख लेना है गाइस। सो ये ठीक है। देन नॉइस रिडक्शन यूज़ करेंगे, डिटेल्स कॉन्ट्रास्ट कलर नॉइस रिडक्शन। सो इसके बाद में डिटेल्स का यूज़ करेंगे और देन स्मूथनेस, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो गाइस किस जिस टाइप से मैं बताया था उस टाइप की कलर टोन आ गई है। सो बिफोर आफ्टर देख सकते हो, सो बिफोर और देन आफ्टर। सो गाइस इसका प्रीसेट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करो और देन यूज़ करो गाइस, और मेरे को बताओ कि कैसा बना है प्रीसेट, ओके। सो गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए होंगे तो गाइस जाके फॉलो कर लेना। सो चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।